और अमरोहा के चित्रकार जुहैब खान ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का दीवार पर कोयले से 6 फीट लंबा चित्र बनाया, जिसमें उन्होंने देश लौटने पर रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम का स्वागत किया और देशवासियों को T20 वर्ल्ड कप की जीत की बधाई दी है। तो ये है फैंस, बहुत सारे फैंस हमने देखा कि आज सुबह जब टीम इंडिया उतरी है तो रात से ही लाइन लगाकर अपने हीरोज का इंतजार करते दिखाई दिए। और अब एक ये कलाकार है जिसने कि एक 6 फीट लंबा चित्र बनाया, जिसमें उन्होंने देश लौटने पर रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम का स्वागत किया, उन्हें बधाई दी। खबर ललितपुर से है, जहां पर एंट्री करप्शन की टीम ने सिंचाई विभाग के भ्रष्ट जिलेदार और उसके एक सहयोगी पर कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने जिलेदार शहजाद अली और उसके एक सहयोगी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। किसान के मुताबिक जिलेदार ने काम की एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। उनके द्वारा पैसे की अवैध पैसे की मांग की जा रही वसूली के लिए, इसके सूचना पर आज एंटी करप्शन टीम के द्वारा आकर के रंगे हाथ उनको पकड़ा गया है। तत्संबंध में अपना उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आपको बता दूं कि पूर्व में भी इनके विरुद्ध एंटी करप्शन टीम द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है। अन्य जो इनके आपराधिक इतिहास हैं और बाकी जो अन्य मिली भगत हो सकती है, उनके संबंध में भी जानकारी की जा रही है। जो भी विधिक कार्यवाही होगी अमल में लाई जाएगी। और उन्नाव के बीघापुर इलाके में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की कोशिश की गई। आरोप के मुताबिक राजा सिंह, सनी सिंह और एक अज्ञात शख्स ने घर के दरवाजे पर बैठे समरजीत को गोली मारकर वहां से फरार हो गए। घायल युवक की हालत इस वक्त गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसे कानपुर रेफर किया गया है। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और दोषियों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। का राजा सिंह का साला और राजा सिंह इसका साला वहाँ टावर पे ड्यूटी करता है, तो इनसे अपना कहा सुनी जो हुई होगी छोटी मोटी, तो उसने अपने बहनोई को बुला के राजा सिंह को, ये दो लोग फोर व्हीलर से आए, हम भी दरवाजे मौजूद थे, तो ये रिश्तेदार हैं हमारे, तो इस वजह से हम सोच रहे थे कि मतलब जो है बात विवाद वैसे, तो इन्होंने फायर कर दिया, तो उसी में जो है ये भाई साहब हमारे चारपाई पे ऐसे लेटे थे, तो इनको जो है लग गई। शाहजहांपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के पिता के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग को लड़की को भगाकर ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही आरोपी पर नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। नाबालिग के पिता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को बॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना सेहरामऊ दक्षिणी इलाके का ये पूरा मामला है।